ओवरएक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, तूने मारा मुझे। सो गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज जमनोत सिंह, यू वाचिंग जमनोत सिंह व्लॉग्स। आई होप आपको लास्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आज का कुछ ऐसा सीन है कि डे बिफोर यस्टरडे मम्मा ने कुकर में कुछ खिचड़ी वगैरह पकाया, और पकाने के बाद उसका प्रेशर रिलीज़ किया पूरा। रिलीज़ करने के बाद अब पता नहीं क्या इशू आ रहा है इसमें कि ये जो कुकर है, ये पड़ा हुआ है घर आता हूँ, ये अपना खुल नहीं रहा है। इट इज़ नॉट गेटिंग अनलॉक, नहीं हो रहा है, खुल नहीं रहा है। अब ये ऐसा कुकर है, पता नहीं खुल भी नहीं रहा है। मैंने भी काफ़ी ज़ोर लगाया, और ज़ोर लगाते लगाते बाय एक्सीडेंटली ब्रोकन दिस हैंडल, बट इसको मैंने क्विक फिक्स के साथ तो जोड़ा है। अब देखते हैं, अगर चलेगा तो वेल एंड गुड, तो अदरवाइज तो नहीं। अभी इसके अंदर खिचड़ी पड़ी हुई है, अभी खिचड़ी के समेत ही जाएगा अपना जो होते हैं ठीक करने वाले। और ये मेरी कामयाबी का है। इतना बैग कौन लेके जाएगा यार। बट भाई तुम्हारा ट्रेंड है, दिस इज द सेम डे। सोच रहे होंगे मैंने टी शर्ट क्यों चेंज कर लिया। टी शर्ट इसलिए चेंज कर लिया कि पहले मेरा प्लान था कि कहीं काम पे भी जाना, और तो दैट्स व्हाई आई चेंज दिस टी शर्ट। और गर्मी बहुत है, तो आप समझ ही सकते हो कि इतनी गर्मी में सेम टी शर्ट कितनी देर पहन लोगे अगर बाहर जा रहे हो तो। सिस्टर जो जिनको छोड़ के आया था मैं अपने मामू के घर के बाहर, और उनको वहाँ से रिसीव करना है। आई हैव टू टेक दिस प्रेशर कुकर टू दैट गाय जिसको रिपेयर करेगा। तो फाइनली वी आर आउट। मौसम का भी मिजाज अच्छा हो गया है, धूप थी वैसे आज सुबह, तो अब थोड़ी बारिश वाला मौसम हो गया, पर गर्मी अभी भी कसम से बड़ी है। 38 डिग्री टेम्परेचर बता रही है मेरी गाड़ी। और यार यार शिट यार, ये देखो अभी इतनी किस्मत खराब है, जब आया था तब भी ये भैंसे यहाँ पे थी, अब जा रहा हूँ तब भी ये रास्ते में, देख रहे हो पता नहीं क्या प्यार है इन भैंसों को मेरी गाड़ी के साथ। हट जाओ। शुक्र है कि इनको यहीं से लेफ्ट टर्न लेना था। साफ व्यू के लिए वाइपर चलाना अनिवार्य है, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, उनके लिए भी चैनल सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा के रखो। सो गाइस आई वाज थिंकिंग कि आपको एक व्यू दिखा देता हूं, लोग गुड्डियां पतंगे कैसे उड़ा रहे हैं। ओ भाई साहब, ओ तेरे की, तो क्या हो गया ओए गया। ओ भाई तो कोई फाइटर ही लग रहा है। हो गया। और बहनों अभी की ताज़ा खबर ये है कि देखो बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग। जो लोग पतंग उड़ा रहे थे, भाई का तो शौक नहीं था, पर जो उड़ा रहे थे उनका बेड़ा गर्क हो गया। वैसे शाम तक जिन लोगों ने उड़ानी थी उन्होंने उड़ा ली होंगी, बट अभी के बाद जो सही मौसम हो रहा था शाम का, अभी अप्रॉक्सीमेटली 5:15 हुए हैं, 7:30-8 बजे तक लोगों ने पतंग उड़ानी थी। कई लोगों ने प्लान किया हुआ था कि धूप कम होगी तो उड़ाएंगे, धूप तो कम हुई बट स्वाहा हो गया बारिश का। चलो देखते हैं। अभी रही बात कुकर प्रेशर कुकर की जो मैंने बताई थी आपको, वो अभी मैं होके आ चुका हूँ, बट अभी मुझे कोई शॉप मिली नहीं ओपन। जैसे ही एज सुन एज मिलती है तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसको ठीक कराऊँ। 30-40 रुपए की राखी बांध के ये सोचती हैं कि हम इनकी पूरी उम्र रक्षा करेंगे, बट दिस इज और क्या सामान ही है। आजकल तो कंप्यूटर में एंटीवायरस भी दिलवाना, वो भी साल की सब्सक्रिप्शन मिलती है खाली, और वो भी पेड होता है। शक्कर चंगी ना हो ना, गाल चंगी करे। तेरी बात कर रहा हूँ तेरी। आगे रास्ता खत्म है, अंदर जान दे। ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, तूने मारा मुझे। आगे नस, आगे रास्ता लोड नस, और मार मार खा खाले फिर मार खाले। ये अपने ब्लॉग में बिल्ली हो गई तुम्हें अपने ब्लॉग में।
रक्षाबंधन वाले दिन मुझे लगता है तो मौत चाहती है मेरे से। तो गाइस पेश है ये इंटरनेशनल शाही चप्पल जो ये लड़की ने भागते भागते तोड़ दिया। अब दौड़ो। मौसम का मिजाज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया, यहाँ से तो पता नहीं चलेगा बट यहाँ से देखो आप बैकग्राउंड डार्क होगा तो बारिश का ज़्यादा भाग जाता है। देखो बारिश कितनी है। ये हम चलते हैं, चाय का टाइम हो गया। और चाय बनाई नहीं बनाई? चाय बनी जल्दी बना, खतरनाक सी चाय। गिफ्ट मिले आज? मिले। कितने? क्या पैसे मिले और खाने पीने का सामान मिला, फ्रूट केक मिला और मामा को गिफ्ट मिला। बाद दिखाओ तो सी। वो अंदर पड़े, चल चलो। और ये एक रक्षाबंधन का त्योहार का पूरा फायदा उठाया गया यहाँ पर। प्यार का कोई मोल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ गिफ्ट का मोल है। और दिखा दिखा तो सही क्या है। ये फ्रूट केक हो गए। चल तेरा चाय का जुगाड़ तो हो गया, बाकी ये गिफ्ट टेम्पर है। इसमें क्या ये तेरे रात का जुगाड़ हो गया नहीं, जब फोन चलाते रहते मूवी शूवी देखते हुए। सही है क्या ये? सही है खाने पीने के वो मम्मा को, मम्मा के हिसाब वाली चीज़ें मिली। चलो बढ़िया है। तो पैसे मिले, पैसे भी मिले कोई, ये भी मिला है ये सारा। और इसमें से मैं ये लेने वाला हूँ, ये लेने वाला हूँ, ये कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपना जुगाड़ खुद करें। अब रक्षाबंधन में लड़कियों का जुगाड़ होता है तो मैं अपना जुगाड़ कर ही लेता। ठीक है, लड़की से कम है हमारी, हमारी चोरी के छोरों से कम है। तू वैसे छोरी थोड़ी है, इस कारण छोरा तू ही है। चाय बना जल्दी, चाय जल्दी कर, फास्ट। बस कर बस कर बस कर बस कर। मैंने भी तो पीनी है, पापा ने भी पीनी है। मेरे गाना चाहिए। व्लॉग मेरे हिसाब से बनेगा, इसके हिसाब से नहीं। जहाँ जहाँ मेरी बेइज्जती है वो चीज कटेगी, जहाँ जहाँ इसकी बेइज्जती है वो आएगी। मेंढक देख लो गाइस, हमारे घर में छोटे छोटे बारिश की वजह से मेंढक तो आते हैं और हमारे घर में एक फीमेल मेंढक आ गया। जल्दी जल्दी डालो, दे सामान मामा से। ऑन कर गैस, पता ही था। स्कूल स्कूल ही गया। स्कूल में रोटी बनाने नहीं जाता, पढ़ने जाता। मेरे को खा रही थी। हमारा स्वीपर अपने घर का काम करते हैं। शाबाश बच्चे, जिंदगी में तरक्की करोगे। आपका फ्रेंड आया। भैया आपका नाम क्या है? शंकर। हाँ जी। चाय इज ऑलमोस्ट रेडी, उबाले आ गए हैं। इसको बचाने के लिए ऐसे कर सकते हैं आप, और निकालो भाई। स्मेल आ रही है। खुल गया। वाओ। करेंगे ब्रेक। तो गाइस मैं एक चाय लेके चलूंगा तब। जो बारिश ने हाल किया, गुड्डियों वाले फिर आ गए मार्केट में, गाने भी लग चुके हैं, वेदर काफी अच्छा हुआ। जब तक मैं लो आगे बंदे हमारे जुगाड़ लेके, मेरे काम की चीज़ नहीं है। अभी हम चाय एंजॉय करने वाले हैं। भाई जिस
इज द परफेक्ट वेदर टू हैव टी ऑन द टेरेस जब बारिश का मौसम अभी जस्ट खत्म हुई हो बारिश हो रहा तक मैं चाय इंजॉय करता अब तब तक टाइम लैप्स इंजॉय कर रहा था। ये लड़की आप देख सकते हो जैसे कि फिर से टूटी चप्पल पहन के आ गई जो कि खुद तोड़ी थी अब इसने। वाओ नाइस अमेरिकन स्टाइल चप्पल। वाओ क्या सैंडल। चप्पल के बहुत फायदे हैं, अगर किसी को भागते भागते आपने फेंक के ऐसे मारनी हो तो आप ये मार सकते हैं। तो गाइस अभी आप देखने वाले हो द पतंगबाज ऑफ द ईयर। अभी भाई तुम्हारा पतंग लड़की उड़ा रही है पतंग गाइस, और मैं पतंग दिखाता हूँ किधर है, किधर की पतंग, ये रही हमारी पतंग गाइस, ये रही गई। ये काइट उड़ाने में बहुत फेल रहा आप देख सकते हैं, हमें ज्यादा दूर नहीं है। काम क्या करते थे और पतंग उड़ाने के अलावा। अभी लास्ट ट्राई है मेरी, अब पक्का भाई उड़ा के दिखाएगा, पक्का भाई उड़ाएगा। सो गाइस मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं उड़ रही है मेरे से, इसको ऐसे थोड़ा ऐसे करके टिल्ट करना होता है ताकि ऊपर जाके घूमे थोड़ी घूम नहीं रही है। चल मैं देता हूँ तेरे को, six and a half hours later. एक हाथ से विद वन हैंड दिख रही है वो उड़ रही है ऊपर, दिख रही है भाई की चेक ये पकड़। Guys, we will end this vlog here only. Guys, see you until the next time. Or hope करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। If you like this video, do hit the like button, share the video and comment down below the comment section. और जिन्होंने अभी तक subscribe नहीं किया, please do hit the subscribe button too. और इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को यहीं बैंड करता हूँ। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।